हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम ये देखेंगे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में टर्म टू के लिए कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी की, और अकाउंटेंसी में जो हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, ये दोनों ही टॉपिक्स नहीं करने। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर की, तो यहां पर प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आपको नहीं बनाना, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो हमें नहीं बनाना यहां पर, और एग्जीक्यूटर अकाउंट करके एक टॉपिक है वो भी आपको यहां पर नहीं करना है। इसी तरह से अगर हम डिबेंचर्स में चलते हैं, तो डिबेंचर में दो आपके चैप्टर्स हैं, एक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और एक है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स तो आपको पूरा पूरा करना है, लेकिन जो आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वहां पर जो आपके मेथड्स हैं रिडेम्पशन के, लमसम मेथड और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये दोनों ही आपको नहीं करने। इसी तरह से DRR और DRI, ये दोनों ही टॉपिक्स आपको यहां पर नहीं देखने हैं। आगे चलते हैं, तो अकाउंटिंग फॉर एनपीओ में कोई चेंज नहीं है, पूरा आपको करना है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, आपको पूरा करना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको पूरा ही करना होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। तो ये बात हो गई अकाउंटेंसी की। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं बिजनेस स्टडीज। यहां पर आप देखेंगे स्टाफिंग वाला जो हमारा चैप्टर है, यहां पर HRM वाला जो पार्ट है वो आपको नहीं करना। डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, ये टॉपिक आपको नहीं करना। फिर आप चलते हैं कंट्रोलिंग में, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वैसे तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये काट दिया गया है, डिलीटेड है, ये आपको नहीं करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद जैद सरवर एंड आई स्टडीड इन इंटेलिजेंस क्लासेस 4 to 5 months बैक फॉर माय बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विच आई हैव स्टार्टेड इन इंटेलिजेंस क्लासेस इन जून एंड कंटिन्यू टिल 19th ऑफ सितंबर, विच इज आवर एग्जाम डेट। So my experience at intelligence classes is just amazing, and the teaching style of Shuaib sir is just awesome. So जो understanding intelligence classes में मिली वो काफी अच्छी थी, और Shuaib sir का जो पढ़ाने का style है वो काफी amazing है। Conceptual understanding दी गई काफी अच्छी हमें लोगों को, और इसी के चलते काफी मेहनत करी और selection भी हो गया। So मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस क्लासेस Shuaib sir टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग, एंड सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट Shuaib sir इज स्टार्टिंग और हिज बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच, सो यू कैन ज्वाइन देयर फॉर बेटर एक्सपीरियंस। एंड अगर आपको काफी आप लोग मेहनत करेंगे उधर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि आपके ज्यादा चांसेस हैं अगर आप Shuaib sir के डायरेक्शन के साथ जाएंगे और मेहनत करेंगे जैसा वो कहेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि आपका एडमिशन जरूर होगा AMU में। सो यू कैन गो फॉर इंटेलिजेंस क्लासेस फॉर बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बैच इज स्टार्टिंग सून, सो ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं है, पूरा आपको करना होगा। फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी चेंज नहीं है, ये भी आपको पूरा करना होगा, और कंज्यूमर प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, ये भी आपको पूरा ही करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में अगर हम मैक्रो की बात करते हैं, तो यहां पर नेशनल इनकम वाले चैप्टर में GDP डिफ्लेटर, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन डिडक्टेड है, तो ये आपको नहीं करना। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं है, ये आपको पूरा करना होगा। फिर अगर हम आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पे, तो वहां पर आपको चैप्टर मिलता है एम्प्लॉयमेंट, वहां पर कोई चेंज नहीं है, आपको पूरा करना होगा। फिर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैप्टर है, उसमें एनर्जी वाला पार्ट आपको नहीं करना। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई चेंज नहीं है, पूरा आपको करना होगा, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया में भी कोई चेंज नहीं है, ये भी आपको कंप्लीट चैप्टर करना होगा। तो आज हमने देखा कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक आपको नहीं करने, जो जो डिलीटेड टॉपिक्स थे वो हमने देखे, और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी।
आप सभी लोग हमें रोज लाइव ज्वाइन कर सकते हैं 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। रोज लाइव क्लास चलती है बेटा हमारे इसी चैनल पर आपके लिए, ताकि आप अपने टर्म टू की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। तो टर्म टू में अच्छा स्कोर करने के लिए रोज ज्वाइन कीजिए शुएब मसरूर ट्यूटोरियल्स, अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स चैनल, जहां पर रोज आपको लाइव क्लास मिल रही है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। रोज 1.5 घंटे की लाइव क्लास आपके लिए हो रही है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आज आपने देख लिया कि कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि किस तरह आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह कंटिन्यू करना है अब आगे। और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।